पढ़ने वाले हैं वो बेहद ही एक अलग है, एक अलग तरीके से मैं आपको स्पीक आउट करना सिखाऊंगा। कैसे आप करेंगे आइए जानते हैं। दोस्तों होता क्या है कि सुबह में आप जैसे ही गेटअप करते हो तो ढेर सारे सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार बोलते हो। कैसे? आप कहते हो कि मुझे खाना बनाना है, मुझे आज बाजार जाना है। फिर आप कुछ टाइम बाद इसी को आप कैसे बोलते हो, इस तरह से बोलते हो कि मैं खाना बनाने वाला हूं, मैं बाजार जाने वाला हूं, इस तरीके से आप बोलते हो। फिर आप क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब आप कार्य को शुरू कर देते हो तो उस वक्त आप बोलते हो क्या, कहते हो कि मैं खाना बना रहा हूं या मैं बाजार जा रहा हूं। तो ये जो आपका है, इस तरीके से जो आप बोलते हो डेली, आप इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, बिल्कुल मैं इसी पर आज चर्चा करूंगा। और बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से, और कोई नियम नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई इस प्रकार का आपको मैं नहीं बताने वाला हूं। अब फिर भी कैसे सिखाऊंगा, बहुत ही इजी है, केवल एग्जांपल से। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आगे आपको इस तरीके के बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए तो बात करते हैं क्या ना है, नी है, ने है वाले वाक्यों की, जो आप शुरुआत में बोलते हो। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप यहां पर एक एग्जांपल मैं टेक कर लेता हूं, जिसे कहा जाए कि मुझे खाना बनाना है। तो ना है, नी है, ने है वाले केस में सबसे पहले आप यहां क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट आपका आई हो गया, और मैं आपको बता दिया पहले ही कि इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो इज एम आ रही होगी। तो आई के केस में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो एम हो जाएगा, और फिर ना है, नी है, ने है वाला जब भी वाक्य आएगा तो मेन वर्ब से पहले आप टू लगा लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, आई एम टू, और ये हो गया क्या, कुक, और फिर एट लास्ट आप जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी रहेगा आप उसको लास्ट में लिखेंगे, जैसे आप मैंने फूड लिख दिया, ठीक। तो आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। फिर जैसे ही आप इस तरीके से बोलेंगे क्या बोलेंगे कि मैं खाना बनाने वाला हूं, तो वाला हूं जब आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करना है आप उसको देख लीजिए। यहां पर जो आप देख रहे हो टू कुक है, और टू से पहले आपका एम है, यही है ना, तो आप एम और टू के बीच में आप अबाउट एड करा दीजिए। क्या करा दीजिए, एंट्री किसकी करानी है, अबाउट का, वो भी कहां एंट्री कराना है, एंट्री यहां कराना है जो एम है और टू आपका ये टू है इसी के बीच में। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आई एम, और एंट्री किसकी हो रही है, ये अबाउट, ठीक, अबाउट हो गया। बाकी आपका सेम है टू कुक फूड, ये हो जाएगा अबाउट, ये टू हो गया, आगे आपका ये कुक हो गया, और ये आपका फूड हो गया, ठीक। तो ये हो गया क्या, आई एम अबाउट टू कुक फूड। चलिए अब बात करते हैं जब कार्य, यानी जब कंटिन्यूअस में ये जाएगा तो जब जारी रहना आ जाएगा, जैसे आप हिंदी में कैसे बोलोगे कि मैं खाना बना रहा हूं, तब आपको क्या करना है, तब आपको बहुत इजी कार्य करना है। वो है क्या कि जो ये आप देख रहे हैं ये टू है, यहां पर ये टू को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, जो आपका मेन वर्ब है आप उसमें आईएनजी को जोड़ दीजिए, ठीक। क्या करना है देखिए, तो ये आपका आई एम सेम रहेगा, उसके बाद टू को हटा देना है, ये जो कुक है यही आपका मेन वर्ब है, इसी में आपको क्या ऐड करना, क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो ये कर दीजिए क्या, आईएनजी हो गया, तो आई एम कुकिंग, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फूड, तो ये आपका फूड हो गया। तो ये आपका तरीका है, बिल्कुल इजी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कहा जाए कि माया को पत्र लिखना है, माया को पत्र लिखना है, तो आप सबसे पहले आप यहां क्या करेंगे, यहां पर आप सब्जेक्ट लेकर आइए, इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, माया है, और फिर आप क्या काम करोगे, फिर आप ये इज एम आर, तो माया के अकॉर्डिंग आपका इज आ जाएगा, तो ये इज हो गया जी, बिल्कुल। पत्र लिखना है, वर्ब क्या है, लिखना, तो उसी लिखना से पहले आप टू लगा लीजिए, ठीक, ये हो गया क्या, टू, और लिखने के लिए सबको पता है ये राइट होता है, आगे क्या हो जाएगा, ए लेटर, ठीक। तो माया इज टू राइट ए लेटर, माया को पत्र लिखना है। फिर कुछ टाइम बाद इसी बात को इस तरह बोला जाएगा कि माया पत्र लिखने वाली है, तो जब वाली है आ जाएगा दोस्तों,
तो ये इज और टू के बीच में एंट्री किसकी करा देनी है, अबाउट की, तो ये हो जाएगा माया हो गया और ये इज आपका रहेगा ही, बस एंट्री किसकी होनी है भाई, अबाउट टू हो गया और ये आपका राइट है ही और आगे आप क्या लिखोगे, ए लेटर, तो आपका ये लेटर मैं यहां लिख देता हूं, तो बिल्कुल आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। अब फिर क्या करना है, ये जैसे ही कंटिन्यूअस में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप बस जैसे पहले में इसमें समझ लीजिए ये टू को हटा देना है, ये जो राइट है राइट में आईएनजी ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माया और ये हो जाएगा इज, आगे आपका राइटिंग और फिर क्या है ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर है, तो आप यहां पर ए लेटर लिख लेंगे, ठीक, तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल तरीका है और मानकर चलिए कि आप इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आप पूरे दिन भर बोलते रहते हो, तो आप बस इसी रूल को फॉलो करिएगा और आपकी क्लियरिटी के लिए एक एग्जांपल मैं और टेक कर लेता हूं। राहुल को इस काम को करना है, जैसे मैंने क्या कर लिया भाई, राहुल को इस काम को करना है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट रूप में क्या लेकर आएंगे, राहुल, ठीक, ये राहुल हो गया। अब राहुल के अकॉर्डिंग इज एम आर में से आप इज को लेकर आइए, तो राहुल इज, अब क्या करना है, अब इसमें आपको जो वर्ब है वो देखिए इस काम को करना है, करना, करने के लिए सब जानते हो डू, तो डू से पहले आप टू लिख लीजिएगा, तो ये टू हो गया, आगे आपका डू हो गया, इस काम को, इस काम को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, दिस वर्क, क्या कहोगे फ्रेंड्स, दिस वर्क, तो ये हो गया। जैसे आप इस तरह से बोलेंगे कि राहुल को, राहुल इस काम को करने वाला है, तो आप यहां क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगी राहुल हो गया और बस आप यहां पर इस ऐड करोगे, उसके बाद अबाउट आप लिखा जाएगा और फिर हो जाएगा क्या, टू डू दिस वर्क। अब जब से ये कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा तो आप कैसे बोलोगे, आप कहोगे कि राहुल इस काम को कर रहा है, तो राहुल इस काम को कर रहा है, आपको नियम सीखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने इसे को ट्रांसलेट किया तो इसमें देख लीजिए टू डू है, तो टू डू यानी डू तो आपको खैर लिखना है, लेकिन ये टू को हटा देना है, इसमें डू में आईएनजी जोड़ दीजिए बस, तो क्या हो जाएगा ये हो गया राहुल, ये इज और ये हो जाएगा क्या, ये डूइंग हो जाएगा, राहुल इज डूइंग, आगे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, दिस वर्क, तो ये हो गया आपका दिस वर्क, तो राहुल इज डूइंग दिस वर्क। तो इस तरीके से आप ना है नी है, वाला है वाली है, रहा है रहा, रहा है रही है रहे है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है ये, इसका आप ट्रांसलेशन बहुत इजी तरीके से करेंगे और आप इसको स्पीक आउट बहुत ही सरलता के साथ आप कर सकते हैं, केवल आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए बस। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आगे भी आपको इस तरीके से ट्रांसलेशन और स्पीक आउट करने का जो तरीका है वो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।